इसीलिए जब भी मैं इसे देखता हूँ ताजोर छत पर बैठा हुआ, तब मेरी आंखों में कौन उतरता है। अरे मैं फिर जब का पुसर हूँ और मंत्री बना हुआ कर महाराज, हम बन के हम मंत्री रखेंगे ही नहीं। इसी को कहते हैं तेली को तेल को लगी महादेव का कुप्पी का, हमको काहे की लगी ससुर, हमको मारने पर लगा है। साले हमरा साथ दो और ये बताओ कि अपने इस रियासत में कौन ऐसी हसीन लौंडिया है जिसके साथ हम बलात्कार करेंगे और फंसा देंगे महाराज शंकर सिंह। हम करेंगे और बदनाम शंकर सिंह को करेंगे। जल्दी बताओ, दो मिनट के अंदर। ये सब रोक लिया है का? कहते बहनी बीजे बता दी भैया, पता लगा बता दी सारे जुड़े जूता पड़े हम खाए। इनका बेशक ऐसी आगे लगाओ कि बड़े बर भरा हुआ ताप दूरी से गर्मी महीना जो लौंडिया बता जब मौत हो जाए वही माँ बाबू लौंडिया है।
बाबू जो पीछे फूक पीछे फूका है भी ये लड़का चला या बाबू चिचका पारी चिचका पारी या बाबू आके पीछे पांच साइड साइड लगे यानी बड़े घर की है लड़की या बाबू जुआन आखे भोईली भोईली आखिर उस लौंडिया का नाम का है या बाबू बिना कपड़ा पहने घूमा साक्षी साक्षी या बाबू जौनी जा पहा साफ हो जा वो लौंडिया का नाम का है या बाबू यहाँ की जात गाँव लखत रही जा इतनी सुंदर है कि पूरी दुनिया देखती रह जा या बाबू बाल गुलशियान गुलशियान भूला अरे जल्दी बताओ हमारे दिल को सबर नहीं हो रहा या बाबू यही से कन्यापुर के गुलूसी कुकुरिया साले हम लड़की पूछ रहे हैं साले हमको कुतिया बता रहा है इतना ससुर चाह के बता रहा है अब साइड हो लगे हुए और फुटका बांधे साले लड़की बताओ लड़की साले कुकुर पूछ रहे हैं अच्छा तुम भी यही है अबे साले भी आएंगे नहीं इज्जत लूट कर बर्बाद करूंगा और महाराज शंकर सिंह को बदनाम करूंगा क्या बात है ये तो लमादार इनका भाई सेनापति महउद्दीन बताए वो है तगड़ा इनका बेटा के पहले पोका है लूक इनका तो खाली सेनापति मंत्री बने खाइए वही सेनापति इनका दुश्मनी है वही गदील है बेटा के इनका वही मौत लमादार यार लड़के बनाइए यार लड़की नहीं है लड़के नहीं अच्छी इतनी बड़ी आसन में लड़की नहीं है अरे अच्छी औरत है यार औरत है आपका हे बाबू जुआन दानदार औरत हाय 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 देख ले श्री धोमिन फेल अबे श्री देवी हाँ श्री देवी फेल अबे लेकिन बाबू औरत है अरे कोई बात नहीं चलेगा तनिक कमी कौन कमी है रे एक लगे महतारी बाबू अबे तो क्या हुआ एक ही लड़की की तो महतारी है लेकिन वाला को 15 दिन का है तो क्या हुआ थाले आइयो जी है कौन दिक्कत न हाँ यहू लमदा कौन है वो और तुम्हारे दुश्मन कौन सेनापति की और जिसका नाम सीता है निहू तब तो खेल में मजा और आएगा क्या इस दुश्मनी को हम अदा भी कर लेंगे और महाराज शंकर सिंह को बदनाम भी कर देंगे तो देर क्यों करते हो चलिए चलो इसी वक्त हम चलने की तैयारी करते हैं बाद में सारी बात बताऊंगा अगली मुलाकात इस ब्रेक के बाद ये रहा मंत्री अजय प्रताप सिंह का महाराज शंकर सिंह के पास पहुंचाने की कोशिश किया तो साले ऐसी गोली मारूंगा और ऐसी जगह मारूंगा अभी नहीं सुबह बताऊंगा यह तो साला संकम दादी सु कहा साला ऐसी गोली मारूंगा ऐसी जगह मारूंगा अभी नहीं सुबह बताऊंगा यार भैया रे यार कौन जगह साला है ले सो नहीं पता लगे गोली मार दे घुस जा पता न चला तीन दिन बाद दगे साला संकम डाल दे इसे यार तो साला डुप्लीकेट भैया ठीक है बेटा इसी जगह तो हम मौत छोड़ दें ऐसी जगह तो आकर ढक हो देते हैं मौते हुए और सेनापति से कमजोर नहीं जाएंगे फिर जाए लुप पा दे बेटा इनका इसी जगह भिड़ा दे हमारो नाम रहुआ रामी नहीं चलते चलते कहना क्या है सुरेश कुमार गुप्ता रामा मुशरी के
दरबार में नौकरी करती है और सीमा सड़क पे हमेशा तैनात रहती है। आज काफी दिन हो गया मेरे सभी घर नहीं आए, न मालूम क्या बात है उन्होंने घर नहीं आए। मैं उनका कब से राह देख रही हूँ कि आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन ये वो है कि न तो मुझसे मिलने आए न तो अपनी बेटी से, न मालूम क्या बात है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, भगवान करे मेरे स्वामी को कोई बात ना होने पाए। अगर आज मेरे स्वामी जी आएंगे तो कोई बात नहीं तो मैं राज दरबार जाऊंगी, ये पता लगाऊंगी कि आखिर बात क्या है जो बंगली पे काफी दिन से नहीं आती। स्वामी तुम वहां मुझे भूल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें रात दिन याद करती रहती हूँ। हाँ, सोती हूँ और जाती हूँ तब मैं तुम्हें याद हमेशा कहती रहती। फूल सारी सारी रातें तेरी याद बात क्या है। चौकीदार गेट बंद कर दो।
नीरव चलो आज चलते हैं अपने बंगले और अपनी बीवी और बच्चों से मुलाकात करके जूते भी मिल जाए। क्या सर आप हमके काफी दिन से कह रहे हैं अपने घर चलने के लिए, लेकिन सर मैं क्या करूं मजबूर था और टाइम नहीं मिली, आज छुट्टी भी है सर। चलो अपने घर हमको घुमा लाइए, मैं इसी बहाने आपका घर और आपका परिवार देख लेंगे। बहुत अच्छी बात, चलो चलते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी और हमारी पत्नी की जोड़ी हमेशा हमेशा सलामत रहे। क्या नहीं सर, चलिए इसी बहाने सहबान का चाय और हाथ से पी लेंगे और बच्चों को भी देख के चले आएंगे। बहुत अच्छी बात। तो साथी रे ज्यादा है तो ही समझती है कि वो नहीं आया है। अरे कोई है भाई मकान में, अबे आओ जल्दी से लगा यार, का कभी भाग जाई का यार, साहब कभी भाग जाई का। देखो आवाज सुनने के लिए तो बात क्या करेगी, मैं अभी सो रही हूँ, जूते चप्पल सुबह पॉलिश करने आना, अभी नहीं। चले सर, चले सर। क्या कहाँ चलू, जूते चप्पल लाए कि नहीं? पागल हो गया क्या? अरे हम कौन चमकटिया ही का यार। अबे अरे कह रहे जूता चप्पल सुबह बना रहे। अबे तेरी बात को समझ नहीं पाई है, जब तुम्हारी बात को समझेगी तभी तो उत्तर देगी ना। अरे हम यार हमका ये पास ही चमार बना दे यार। अरे देख तुझे नहीं बनाया यार, तेरी बात को समझ नहीं पाई। अरे को
कोई है भाई? कौन? हम तो कह ही हो तुम हमारे साथ नौकरी करते हो, मैं आपका कौन हूँ? आप हमारे सर हैं तो हम आपके नौकर हैं तो यू आवा है यू आवा है अरे वाऊ आवा है यू आवा है अरे मैं भी और साथ में मालिक भी आए। हम आए साथ में मालिक आए हैं। ओ समझ गई, यानी कि मेरे स्वामी जी आए साथ में नीरव भी आया है। बहुत अच्छी बात है। खोलो जल्दी घुसी। क्या? गेट गेट गेट। ये साले नाम दे दिया तेरे को। गेट गेट गेट। गेट मैन। गेट खोल दो। चलो आगे बढ़ो। साहेब। बोलो। हम घुस गए, तुम्हें खुशी हो? उन्हें तकलीफ तो नहीं ना घुसा? तकलीफ नहीं है, तुम्हें खुश जाओ। बदतमीज खेगा। पहले बैग रखो। तुम इतने दिन से रहते हो हमारे साथ, बोलने का तमीज नहीं। क्या कहा? हमने कहा साहिबान पाद मारी। बात नहीं साले, तो कहा घरे बलैक मरिया मेरी मारू बात सुबह में साले कहा कहे साहिबान पाए लागू। अच्छा साहिबान पाव लागू। हम कहे साहिबान पाद मारी। साहिबान पाव लागू जीते रहो। अच्छा जब कभी हम घर आते थे तो बड़े आदर और मान सम्मान के साथ बैठा करके बुलाती थी और चाय नाश्ते का सारा इंतजाम करती थी, और आज हमें लगता है कि कुछ गुस्से में है। हमसे नाराज क्यों हो? आखिर बात क्या है? और तुम्हारे प्यारी कोई पागल मुझे बनाया। हमारी याद आती न तो अपने बेटियों की याद करती, इसीलिए मैं तुझसे बातें नहीं करूंगी चाहे जो जाए। देखिए फ्रेम, तुम जानती हो कि हमारे पास टाइम बहुत कम मिलता है। बोलो बैठ रहो। तुमको सारे हमके क्या लगी और तुमको क्या लगी है?
लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इसी तरह तकरार करती रहोगी तो जैसे इतने दिन बीत गए हैं और आज का दिन भी इसी तरह बीत जाएगा। देखिए गुस्सा अच्छी चीज होती है, ठीक है? नहीं गुस्सा, वो हम पे खफा है। मैं तुमसे बातें नहीं करूंगी चाहे जितना भी वो हम पे खफा है, हम पे खफा है, मगर बात करने को जी चाहता है। हम पे इलाज है तो मैं भी एक मर्द हूं। अगर तुमसे सामान नहीं बात करेंगे तो हम तुमसे सामान नहीं बात करेंगे, ठीक है? मैं चलता हूँ। मैंने जरा से नाराज हो गई तो घर छोड़ के जा रही, जो आप 6 महीने नहीं आते तो मैं किस तरह से घर में रहती हूँ? क्या एक बार मेरे बारे में सोचा है आपने? तो नाम क्या करो? इधर। तुम्हें बताया नहीं साहब जी तुम्हारी? अबे इसी के खुशी में तो लड्डू का वितरण हुआ था। लड्डू बेटा, हाँ इसी के खुशी में तो लड्डू का वितरण हुआ था। हम तो कहते रह गया लड्डू।
पाँच क्विंटल सारी रात कमरा पर रह गए, यानी कि जल्दी जल्दी में घूम जाए। और क्या लेके आए? पाँच क्विंटल साड़ी ले रहे हैं। पाँच क्विंटल, यानी कि साड़ी भी क्विंटल में आने लगी। पहले हमें लाओ, सबसे पहले इनके पापा देखेंगे, उसके बाद तुम देखेंगे। ठीक है, साहेब। वाह साहेब, बोलो। देखो ना घाटी उल्टी जाए। ऐसे ऐसे बात बोलो। वाह कहीं में, इधर आ, इधर आ। वाह कहीं में, देख बिल्कुल हम शक्ल का है मेरा बेटा। नकुना मामक पर रहा है साले, खाली नकुने मामक पर रहा है। तुम साले बहुत बदतमीज हो गए हो। ये ले, कहता था मैं चलूंगा तो वहां बच्चे को खिलाऊंगा। यानी कि तुझे बच्चों से बहुत प्यार है। हमें लड़का ने बहुत लड़का खिलाए थे, बिल्कुल बात किया करता था मुन्ने की। अच्छा साहेब, जाए साल मूत माइस का हो, ताले ताले मुन्ना हगेगा नहीं और हिसाब नहीं करेगा तो करेगा क्या? अच्छा लड़का मूत ही मार दे ना तुम साले। साहेब साहेब, लग जाए लग जाए लग जाए उससे मारोगे तो मुन्ने को भी लगेगा। मुन्ने में लग जाए, अरे मुन्ने के लग जाएगा। मुन्ने कहाँ से, मुन्ने के लग जाएगा। अरे बहन दिया भाई, ऐसा भाई क्या बात है? देखा ना भैया का, भैया का मूड है वो कोई बताने की चीज है। नान भाजे का आँखी है, क्यों नहीं? नान भाजे का मुंह है, बिल्कुल सही। नान भाजे का नुकुना, हाँ। नान नान हाथ है, क्यों नहीं? नान नान हाथ है, अंगुली है, हाँ सही है। नान नान पाँव है, बिल्कुल सही। साहेब बोलो, नान भाजे का फुन्नी है। बहुत प्यार करता है बच्चों से। हम बहुत करीब से प्यार, हर चीज करने से पहले नाम ले लिया करो। हम करीब तो देखा थे कभी। सभी बोलो, आप आदिल के बाद आए हैं। ऐसा करती हूँ मैं बेटे को दासी के बाद भेज कर फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। ठीक है, काफी देर हो गई, पका लवड़ी मंगा ली। तुमको साले खाने के लगी लगती है, भूख लगी, कोई बात नहीं। ठीक है, सारी व्यवस्था कर बताओ। ठीक है दासी, जल्दी आ दासी, कहाँ रहती है ये? ओ क्या हुआ, आज तो कितनी अच्छी लग रही। क्यों नहीं, जो मैं तेरे लिए साड़ी बाजार से लेके आई हूँ ये वही साड़ी है? हाँ मालकिन। अरे वाह, दासी जुगाड़ लगवा, बहुत मार पड़ेगी। अरे तेरे साहब जी जानेंगे ना